अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एफसी गेन में। मैं निशा दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास आप भी अपना योनो एसबीआई अकाउंट का जो फॉरगॉट पासवर्ड जो है, यूज़र आईडी और पासवर्ड आप भी भूल गए, तो सिंपली आपके पास ऐप वगैरह है लेकिन आपको जो ऐप है आप लॉग इन नहीं कर पाओ, क्या प्रॉब्लम है, आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड वगैरह आप भूल गए, तो दोस्तों दोनों आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉरगॉट करते या नहीं, आप दोबारा से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हो, दोबारा से नया पासवर्ड ऐसा पासवर्ड बने ताकि आपको दोबारा से याद रखे, और उसके बाद आपका जो योनो एसबीआई ऐप है तो आप लॉग इन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल प्रोसेस में बताऊंगा। सिंपली दोस्तों आप भी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, बिना टाइम वेस्ट के हम चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो सबसे पहले इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सिंपली ये देखिए सब्सक्राइब का बटन आएगा, जरूर सब्सक्राइब करना है, साइड में एक घंटी का बेल आएगा, ये ऑल में आपको जरूर दबा के रखना है, इसके नीचे अरे पब्लिक कमेंट है, आपको भी एक प्यारा सा कमेंट करना है, नाइस वीडियो NIC नाइस वीडियो VIDEO नाइस वीडियो, ये कमेंट करने से मुझे मोटिवेट मिलता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो दोस्तों इधर से कोई भी पैसा वगैरह नहीं आता, ये कमेंट आपको जरूर करना है। अभी दोस्तों कमेंट कर देने के बाद हम इधर से बैक कर देंगे, सिंपली बैक कर देने के बाद दोस्तों अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका दिखाएंगे किस तरीके से अपने योनो SBI का यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह फॉरगॉट कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों अभी आपको ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल में चला जाइए, गूगल में चला जाने के बाद दोस्तों आप इधर सर्च कीजिए SBI, तो सिंपली SBI आप सर्च कीजिए SBI ऑनलाइन, तो दोस्तों आप सर्च कीजिए SBI ऑनलाइन करके, सर्च करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने कुछ इस तरीके आ जाएगा, तो आ जाने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने पर्सनल बैंकिंग सब कुछ आपको डिटेल्स में आ जाएगा, तो आ जाने के बाद आपको पर्सनल बैंकिंग सिंपली आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन में चला जाना है, तो लॉगिन में चला जाने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा, सिंपली ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ या दोबारा आपको बता दो, आप स्किप मत कीजिए, पूरा ध्यान से देखिए, कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू टू लॉगिन कर दीजिए। अभी देखिए यूज़र नेम पासवर्ड आपको मांग रहा है ताकि ये आपको पता नहीं, तो आप इसे फॉरगॉट करने के लिए दोबारा से बनाने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह तो आपको पता नहीं, अभी आप क्या करेंगे, एकदम नीचे में आ जाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एकदम नीचे में आ जाने के बाद फॉरगॉट यूज़र नेम फॉरगॉट पासवर्ड, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप फॉरगॉट यूज़र नेम आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, तो फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इधर क्या करना है, इसमें टैप कर देना है, कर देने के बाद फॉरगॉट यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, आपको ये फॉरगॉट यूज़र नेम में रख लेना है, और रखने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली आप इधर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने ये देखिए CIF नंबर आएगा, कंट्री आएगा, उसके बाद आपके सामने एक मोबाइल INB रजिस्टर मोबाइल नंबर आएगा, एंटर योर टेक्स्ट शो इमेज का ऑप्शन आएगा, तो अभी आपको CIF नंबर आपका बैंक के खाते में मिल जाएगा, अकाउंट में मिल जाएगा, उसके ऊपर ही रहता है, तो हम इधर से अभी डाल लेंगे, ये पूरा फिलअप कर लेंगे, फ़ोन नंबर CIF नंबर कंट्री वगैरह आप तो इधर से पता है कंट्री क्या है, इंडिया वगैरह हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, तो इंडिया वगैरह इधर से हम सिलेक्ट कर लेंगे, कर लेने के बाद दोस्तों तो आपको दोस्तों हम इधर से सब सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद आपको सबमिट करके हम दोबारा से दिखाते हैं। तो दोस्तों हम इधर से अपना CIF नंबर कंट्री वगैरह फ़ोन नंबर रजिस्टर वगैरह कर दिया, और उसके बाद आपको एक एंटर टेक्स्ट शो आपके नीचे ये जो एक कैप्चा कोड आपको दिखा रहा है इसमें आपको इधर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप सबमिट में क्लिक कर दीजिए, और एंटर योर वन टाइम पासवर्ड, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक पासवर्ड आएगा ऊपर में, आपको इधर ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो ये पासवर्ड के OTP नो स्टेट बैंक यूज़र नेम इज इमन इमन 6743 6743, ये आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड आ जाए, उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है, और कन्फर्म कर देने के बाद आपका जो यूज़र नेम है ये आपको दिखाई दे रहा है, यूज़र लॉग इन यूज़र नेम बस, तो आपके सामने यूज़र नेम आपको शो हो जाए, तो दोस्तों आप इधर कहीं पे लिख लीजिए खाते में, आप याद कर लीजिए आपका यूज़र नेम पूरा का पूरा शो हो गया है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से बैक कर देंगे, अभी बैक कर देने के बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक कर देना है, और बैक कर देने के बाद हम दोबारा से आपका यूज़र नेम को ये फॉरगॉट होगा, यूज़र नेम आपको पता चल जाए, लेकिन दोस्तों आप पासवर्ड भी पता करना चाहते हो तो आपका पासवर्ड कैसे पता करें ये आपको रीसेट करके दिखाऊंगा, दोबारा से नया बना के दिखाऊंगा, तो आपका यूज़र नेम तो ये पहला प्रोसेस हो गया, दोबारा से लॉगिन पे चला जाएंगे हम, दोबारा से लॉगिन पे दोबारा से कंटिन्यू टू लॉगिन, और फिर से आपका यूज़र नेम आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको नीचे में आ जाना है, तो देखिए दोस्तों फॉरगॉट पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड, तो आपको नीचे में आना है, अभी आपको लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको टैप कर देना है, अभी टैप करने के बाद फिर से आपके सामने एक पेज आएगा, तो फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, तो ये सही है, और सही है तो आपको अब इधर नेक्स्ट कर देना है, सिंपली नेक्स्ट कर देने के बाद दोस्तों
दोबारा से आपके सामने आपका यूज़र नेम मांगेगा, तो आपका यूज़र नेम जो मैंने बताया था पहले में, तो आपको वो यूज़र नेम इधर डाल देना है और अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिखा रहा है, ये सबको सबको फिल करना है। तो अच्छी तरीके से आप ये फिल कर लीजिए, मैं भी फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर से दोबारा से प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने फिल कर दिया अपना यूज़र नेम, अकाउंट नेम, फॉर आपका फ़ोन नंबर, जो पासवर्ड में लॉगिन वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैं इधर डाल दिया। डाल देने के बाद आपके नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, सिंपली इधर हम सबमिट कर देंगे। और सबमिट कर देने के बाद आपके एंटर और ओटीपी आपके फ़ोन में दोबारा से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। देखिए दोबारा से इधर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला है, उस ओटीपी को हम इधर से फिल कर देंगे 4632। तो हम इधर से फिल कर ले, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और आपके पास दूसरे में मोबाइल है तो उसमें ओटीपी आएगा, उसमें से आप इधर सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको कन्फर्म कर देना है। अभी कंफर्म कर देने के बाद यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन, आपको दो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो अभी आपको कौन सा आपको क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स, आपके आपके पास एटीएम कार्ड है वो भी कर सकते हो, पासवर्ड, यूजर नेम, प्रोफाइल पासवर्ड, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, तो आपको रीसेट लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एक्टिवेशन, तो आपको एटीएम है तो आपको यूजिंग एटीएम कार्ड एक्टिवेशन डिटेल्स आपको सबमिट कर देना है। और कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आ जाने के बाद दोस्तों आपकी देखिए, ये देखिए आपका एक्टिव पासवर्ड, आपका कार्ड का पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आ जाने के बाद तो दोस्तों सिंपली आपको आपके पास ये आपका पूरा का पूरा कार्ड डिटेल्स आ जाएगा। तो आ जाने के बाद आपको कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपका नाम डिटेल्स आ जाएगा, आपको कन्फर्म कर देना। आपको कन्फर्म कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने ये देखिए कार्ड होल्डर नेम, पिन डालना पड़ेगा आपको, तो मंथ डालना पड़ेगा आपका पूरा, आपका एटीएम ले लीजिए, उसके बाद आपको कौन सा वैलिड अप टू डेट है, कार्ड होल्डर नेम है, पिन है, सबको सबको इधर फिल करना पड़ेगा। तो हम इधर से फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं अपना कार्ड में ही चला जाएगा ये पिन वगैरह, होल्डर नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हम इधर से फिल करके आपको उसके बाद दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने इधर भर दिया, उसके बाद मैं प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड में मैं क्लिक कर दूंगा, मैन्युअल फिल मार्केट विद द एस्ट्रिक्स, तो आपको पूरा का पूरा इधर आपको डिटेल्स भर देना है। उसके बाद आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप थोड़ा वेट कर ले रहे उधर में। हम वेट कर लेने के बाद हमारे सामने एक पेज आएगा, उसको हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो है। तो ये देखिए आपके सामने यूर डेबिट कार्ड वैलिड सक्सेसफुली, तो आपको प्लीज़ रिफ्रेश द पेज। तो दोस्तों हम दोबारा से इधर ट्राई करेंगे, क्योंकि पहली बार जो आपको नेटवर्क का इशू था तो इसलिए नहीं है। तो फिर से हम ट्राई करेंगे, नेट लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, फिर से हम लॉगिन पासवर्ड में क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने दोबारा से ये एक फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको फिर सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो तो आपका यूज़र नेम जो मैंने पहले प्रोसेस में दिखाया था, यूज़र नेम वगैरह लॉग आपका हो गया था। यूज़र नेम हम इधर से डाल लेंगे, अकाउंट नंबर पूरा का पूरा डिटेल सेम टू सेम हम डाल लेंगे इधर से। तो हो जाने के बाद दोस्तों हम इधर से सबमिट का ऑप्शन है, फिर से सेम प्रोसेस में हम सबमिट करेंगे, और उसके बाद हमारे एंटर डी वन टाइम पासवर्ड हमारे फ़ोन में सिंपली इसी तरह का एक आ जाएगा ओटीपी, हम इधर से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स पे चलेंगे, फिर से सबमिट कर लेंगे दोस्तों। अगर इस बार भी नहीं हो तो ये नेटवर्क का इशू हम मान लेंगे, और नहीं हो तो आपको भी कुछ इस तरह का सेम प्रोसेस में करना है। अब इस बार देखते होगा या होता या नहीं होता, अगर नहीं होता तो मेरा नेटवर्क का इशू है, तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपके पास 100% आपका ये कन्फर्म होगा। तो हम इधर से कंफर्म कर देंगे मंथली, ये जो है हम पूरा का पूरा इधर डिटेल्स हम भर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कौन सा किस तरीके से ये होता है। तो हम इधर से पूरा का पूरा कार्ड डिटेल्स और सर पिन, कार्ड होल्डर नेम, एंटर वगैरह सब भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा डिटेल्स भरे, उसके बाद हम प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर देंगे। कर देने के बाद आपको वैलिडिटी सबको सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो चेक करेंगे कि आपका ये एटीएम आपका हो या नहीं, और थोड़ा प्रोसेस होगा। होने के बाद ये अपने आप ये देखिए इस बार हो गया, तो देखिए ये सक्सेसफुल होगा। तो आपको ऊपर एक पेज आएगा लॉगिन पासवर्ड, एंटर योर न्यू लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म योर न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो अभी आप दोस्तों एक काम कीजिए, ऐसा पासवर्ड डाल कीजिए, ऐसा पासवर्ड डालिए कि आपको पूरा लाइफ टाइम आप यूज़ कर पाएंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहे। तो हम इधर से ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे कि आपको भी याद रहे और पूरा लाइफ टाइम यूज़ कर पाए। तो हम इधर से डाल लेंगे दोस्तों। डाल देने के बाद आपको हम दिखाते हैं कौन सा पासवर्ड डालेंगे, ये तो आपको नहीं दिखाएंगे, करके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल के, उसके बाद हम इधर से सबमिट का ऑप्शन आएगा नीचे में, देखिए सबमिट में हम सबमिट कर देंगे। कर देने के बाद दोस्तों आपका जो ये है
ये देखिए, योर लॉग इन पासवर्ड हैज़ बीन सेट रीसेट सक्सेसफुली। आपको दोस्तों आपका जो पासवर्ड और सबको रीसेट हो गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में अच्छी लगा रहा। अभी आप योनो SBI ऐप में चला जाएंगे। ऐप में चला जाने के बाद आपका जो यूजर नेम डाल दीजिए, पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए, आपका योनो SBI ये अपने आप लॉग इन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में अच्छी लगे, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।